Dear student, today's our topic is transport and communication. In this chapter, we will cover two topics, transport and communication. So first topic is transport. Carrying of men and goods from one place to another place is known as transport. Density of transport and fastest means of transport shows our economic development. मान लीजिए अगर हमारे पास अच्छे यातायात के साधन नहीं हैं और फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या उनकी उपलब्धता कम है तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। गुड्स को, वस्तुओं को प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचाने में या प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें यातायात के साधनों की ज़रूरत पड़ती है या फिर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ऑर्डर सप्लाई करने के लिए हमें कम्युनिकेशन के अच्छे मीन्स की, अच्छे साधनों की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआती दिनों में जब बहुत ज़्यादा आविष्कार नहीं हुए थे, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आदमी खुद ही कैरियर था सामानों को पहुँचाने के लिए। उसके बाद में जब पहिए का, व्हील का आविष्कार हो गया तो एनिमल्स को यूज करने लगा, एनिमल्स ड्राइवन व्हीकल्स यूज करने लगा, और इंजन के आविष्कार के बाद तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनराइज हो गया और फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो हम देख सकते हैं जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फास्ट हैं, और जो थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स की डेंसिटी भी कम है, उनकी उपलब्धता भी कम है और वो उतने फास्ट नहीं हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, हमारा यातायात इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है या उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन, दूसरा वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे यातायात के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट यातायात का साधन है। इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, जैसे ये मोस्ट इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता इन कंपैरिजन टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अगर हम रेलवे से कंपेयर करें तो रेलवे का ट्रैक बिछाने के लिए स्टेशंस बनाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ट्रैक नहीं बिछाना, रोड बनानी है जो ट्रैक के कंपैरिजन में आसान पड़ती है, सस्ती पड़ती है। दूसरा, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स या स्टेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हमें रेलवे में पड़ती है। एयर ट्रांसपोर्टेशन से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर हमें एयर टर्मिनल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ट्रेन के वैगन्स बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, जबकि बसेस, कार, ट्रक बनाने में कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू रेल कोचेस और एयरक्राफ्ट। तो हम कह सकते हैं कि बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले इकोनॉमिकल है, सस्ता है। दूसरा, रोड ट्रांसपोर्टेशन इज सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन आसान है, सुटेबल है। हिली रीजन्स, रूरल एरियाज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्टेशन है। आज भी हिली रीजन्स में ट्रेन रूट्स बिछाना इकोनॉमिकल नहीं है या फिर अभी भी नहीं बिछाए जाते, जबकि उन एरियाज़ में, हिली रीजन्स में सबसे ज़्यादा जो असेसिबिलिटी है, पहुँच है, वो रोड ट्रांसपोर्टेशन की है। रूरल एरियाज़, विलेजेस स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, हर जगह तक रेलवे नहीं बिछाई जा सकती, लेकिन हर एक विलेज को हम कनेक्ट कर सकते हैं वो केवल रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ ओनली द मीन्स टू कनेक्ट रूरल एरियाज़।
सप्लीमेंट टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम कार्गो प्लेन से या फिर रेल से कोई भी चीज़ मंगा भी लेते हैं, कोई हमने डिस्टेंस प्लेस से मंगाई, मान लीजिए कोई हमने साउथ इंडिया से दिल्ली कोई भी चीज़ मंगा ली, कोयम्बटूर से या चेन्नई से कोई भी चीज़ दिल्ली मंगा ली, दिल्ली ट्रेन से मंगाई, ट्रेन उस चीज़ को स्टेशन तक छोड़ देगी, लेकिन वहाँ से उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है, उनके पर्पज़ को सॉल्व करता है। बिना इसके हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि चीज़ें हमारी डिस्ट्रीब्यूट आसानी से हो सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक है डोर टू डोर सर्विस। रोड ट्रांसपोर्टेशन आपके घर तक पहुंच सकता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारी गली गलियों में बिक सकता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम गांव गांव पहुंच सकते हैं। बाकी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमें ये फैसिलिटी, डोर टू डोर सर्विस वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए आपने कोई गुड्स चेन्नई से दिल्ली मंगा ली, तो उसको घर घर पहुंचाने के लिए हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो डोर टू डोर सर्विस रोड ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, मेरिट्स भी है। नेक्स्ट है ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में, जैसे रेलवे ट्रैक बिछाने के कंपैरिजन में, एयर टर्मिनल बनाने के कंपैरिजन में, रोड बिछाना, रोड कंस्ट्रक्ट करना आसान है और उसको मेंटेन करना भी आसान है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए रोड अगर थोड़ी किसी वजह से ख़राब भी हो जाए, तब भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि अगर रेलवे ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जब तक उसको सही नहीं किया जा सकता किया जाएगा, तब तक हमारे लिए उसकी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन रोड में अगर थोड़ी मोड़ी ख़राब है, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन के हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डीमेरिट्स भी हैं कुछ रोड ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे रेनी सीजन वगैरह में जो डीमेटल्ड रोड होती हैं, अनमेटल्ड रोड होती हैं, वो यूज में नहीं आ सकती रेनी सीजन में। यानी जो हमारे कच्चे रोड हैं, वो हमारे रेनी सीजन में यूज़ में नहीं लाए जा सकते, डेंजरस हो जाती हैं। दूसरा, रोड ट्रांसपोर्टेशन लंबी दूरी के लिए सुटेबल नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है। लंबी दूरी के लिए हमें ट्रेन या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा सुटेबल हैं या ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बल्की मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते, उसके लिए हमें ट्रेन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ज़्यादा सामान है, जैसे कोल है, आयरन स्टील है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नहीं पहुंच सकते, इसके लिए हमारी डिपेंडेंसी ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन पर आ जाती है। तो इस तरह से हमने कुछ मेरिट्स एंड कुछ डीमेरिट्स रोड ट्रांसपोर्टेशन के पढ़े हैं। अब अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। जिन कंट्रीज़ में, जिन एरियाज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, रोड की डेंसिटी भी उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा है। जैसे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, यूएसए, कनाडा, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड की गुड रोड का, अच्छी रोड का 35% ऑलमोस्ट इन्हीं कंट्रीज़ में है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में हम कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, और हमें जो दूसरी हायर कंसंट्रेशन मिलेगी वो रोड ट्रांसपोर्टेशन में मिलेगी यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन या डेंसिटी ऑफ रोड भी ज़्यादा है, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। इसके बाद में इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, ये एरियाज़ में भी हमें रोड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इन एरियाज़ में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ डेजर्ट एरियाज़ हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। अब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर हमें रोड कंसंट्रेशन
यार रोड डेवलपमेंट कम मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जिन एरियाज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन या कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, और जिन एरियाज़ में रोड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है वहाँ पर रोड कंसंट्रेशन भी कम मिलेगी। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स एक कंट्री का बॉर्डर जब दूसरी कंट्री से जहाँ लगता है वहाँ पर बिछाई जाती हैं। सोल्जर्स के लिए इनकी यूटिलिटी है कि उनको आर्म्स पहुँच सकें, उनको फूड पहुँच सके, उनको और भी उनकी ज़रूरत की सामान है वो पहुँच सकें। कुछ बॉर्डर एरियाज़ में जो रूरल पॉपुलेशन है या रिमोट पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन तक फूड सप्लाई हो सके, तो इसीलिए बॉर्डर एरियाज़ में रोड को बिछाया जाता है, उन्हें हम बॉर्डर रोड्स कहते हैं। जैसे हम राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर रोड बिछाएंगे। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ में हमने रोड बिछाई हुई हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रोड बिछाई हुई हैं, तो ये सभी बॉर्डर रोड्स हैं। इंडिया में इनके लिए BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जिसका स्पेशल पर्पज़ यही है कि वो बॉर्डर एरियाज़ में रोड का कंस्ट्रक्ट कर सके। तो इन सभी रोड को हम बॉर्डर रोड बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो है रेलवे। तो रेलवे हम सभी जानते हैं कि ट्रेन्स का जो मूवमेंट है वो रेलवेज कहलाता है। यहाँ पर एक टर्म आता है गेज, स्पेशली हम देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है गेज। तो गेज क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेल ट्रैक्स। जो हमारा ट्रैक है, जो दो पटरियां हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम गेज बोलते हैं। ये कई तरह की होती है, हम यहाँ पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। अलग अलग कंट्रीज़ में इसके मेज़र अलग अलग हैं। तो स्टैंडर्ड गेज है 1.4 मीटर, मीटर गेज नाम से ही पता चल रहा है 1 मीटर अगर दो पटरियों के बीच की डिस्टेंस है, तो ब्रॉड गेज 1.67 मीटर अगर दो पटरियों के बीच की डिस्टेंस है, तो इसको हम गेज बोलते हैं। और हमारे पास तीन तरह के गेज होते हैं, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज। अब अगर हम बात कर रहे हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेज की या मेरिट्स की, तो ये सबसे सुटेबल और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमें लंबी दूरी कवर करनी है तो लंबी दूरी के लिए सबसे कंफर्टेबल, सबसे एक सस्ता साधन है जिसमें हम कंफर्टेबली लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। सुटेबल फॉर बल्की मटेरियल, जो हमारा भारी सामान है उसको लंबी दूरी तक ये आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे हमारा स्टील है, कोल है, तो उनको ही लंबी दूरी तक आराम से हम ले जाया जा सकता है। अब हमारे पास रेलवे में कंटेनर सर्विस भी आ गई है, तो कंटेनर सर्विस होने की वजह से हमें फ़ायदा ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक सामान की हम पैकेजिंग करें, उसको स्पेशलाइज्ड तरीके से पैकिंग पे उसका खर्चा करें। हम कंटेनर्स में डायरेक्टली सामान को रख सकते हैं और जहाँ पर हमें उसको रिसीव करना है वहाँ पर हम डायरेक्टली कंटेनर्स से कंटेनर को ही एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करा सकते हैं। जैसे हमने कंटेनर में कोई सामान रख दिया, उस कंटेनर को हम उठाकर ट्रेन के ऊपर रख देंगे, वो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, और वहां से उस कंटेनर को उठा के जहां हमारी ज़रूरत की जगह है वहां पर उसे ले आएंगे। तो हमें पैकिंग करने की और स्पेशली उसको किसी स्टेशन तक ले जाके लोड करने की, फिर उसको वहां से अनलोड करने की, इस तरह की ज़रूरतों से हम बच जाएंगे अगर हमारे पास कंटेनर सर्विसेज अवेलेबल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंटेनर सर्विस के बाद से हमारा पैकेजिंग का, लोडिंग अनलोडिंग का बहुत सारा टाइम और खर्चा बच गया। अब रेलवे में रेफ्रिजरेटेड वैगन्स भी आ गए, तो इसकी मदद से हम पेरिसेबल आइटम, जो ख़राब होने वाला आइटम है, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे हैं, तो उनको भी आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं रेफ्रिजरेटेड वैगन की मदद से। तो लंबी दूरी तक हम पेरिसेबल आइटम्स को भी रेलवे के थ्रू अब भेज सकते हैं। तो ये हमारे रेलवे के एडवांटेजेस हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लार्ज कैपिटल,
रोड ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए, ट्रैक बिछाने के लिए, ट्रैक को मेंटेन करने के लिए, वैगन्स बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो इसका डीमेरिट है वह इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हिली रीजन्स। हिली रीजन्स में हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन नहीं डेवलप हो पाया है या वो फ्रूटफुल नहीं है। हाई रेनफॉल स्नोफॉल वाले एरियाज़ में भी रेल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉफिटेबल नहीं है। मल्टीपल गेज, स्पेशली अगर इंडिया का एग्जाम्पल लूँ तो मल्टीपल गेज इंडिया में एक प्रॉब्लम है। ये कैसे एक प्रॉब्लम है? मान लीजिए कुछ रास्ता ब्रॉड गेज में है, कुछ मीटर गेज पर है, कुछ स्टैंडर्ड गेज पर है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो कैसे? अगर कोई ट्रेन ब्रॉड गेज पर चलती है तो वो मीटर गेज पर नहीं चल सकती, मीटर गेज वाली ट्रेन ब्रॉड गेज पर नहीं चल सकती। जैसे अगर मान लीजिए आपको दिल्ली से शिमला कोई भी सामान भेजना है, तो दिल्ली से कालका तक का जो रास्ता है वो ब्रॉड गेज पर है, और कालका से शिमला तक का जो रास्ता है उसका गेज अलग है, वो छोटी वाली ट्रेन है। तो अब अगर आपने कोई भी सामान दिल्ली से शिमला भेजना है तो वो पहले कालका तक जाएगा, कालका पे उसकी अनलोडिंग होगी, फिर वो शिमला वाली ट्रेन जिसका गेज अलग है वो उसमें लोड होगा और उसके बाद में वो शिमला जाएगा। अगर मान लीजिए दिल्ली से लेकर शिमला तक एक ही गेज होता तो हमें कालका पर लोडिंग और अनलोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा टाइम और हमारा पैसा दोनों बचते। तो ऐसे ये मल्टीपल गेज होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो सभी ट्रैक्स हैं उनको कोशिश की जा रही है कि वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिए जाएं। जब सारे ट्रैक्स ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें जहाँ पर अभी ट्रैक चेंज होने पर, गेज चेंज होने पर प्रॉब्लम फेस करते हैं लोडिंग अनलोडिंग की, वो नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर हम रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो कॉलोनियल पीरियड में रेल रूट्स डेवलप हुए स्पेशली कॉलोनीज़ में, तो वो डेवलप किए गए जो रिसोर्स वाले पार्ट थे, जिन एरियाज़ में रिसोर्स मिलते थे उन एरियाज़ को कनेक्ट किया गया पोर्ट से, ताकि रिसोर्स उन एरियाज से पहुंच सकें पोर्ट तक, और पोर्ट से वो रिसोर्स शिप के थ्रू जो कंट्रीज़ थी जिन्होंने कॉलोनी बना रखा था उन तक पहुंच सकें। तो इस तरह के रेल रूट्स डेवलप हुए। यहाँ पर पर्पज़ केवल था कि उन कॉलोनीज से वहाँ के रिसोर्सेज को इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में पहुंचाया जा सके। तो इस तरह के रेल रूट्स डेवलप हुए, एशियन कंट्रीज़ में डेवलप हुए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में डेवलप हुए, यानी जो जो कॉलोनीज़ थी उनमें इस तरह के रेलवे रूट्स डेवलप हुए कि रिसोर्स एरिया से पोर्ट तक रेलवे रूट्स डेवलप हुए। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ही देखने का मिलता है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, इन कंट्रीज में रेलवे रूट्स हैं, वो रेलवे रूट्स कनेक्ट करते हैं पोर्ट एरियाज़ को। यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में हमें डेंस रेल नेटवर्क देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नेशंस हैं, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, तो इन सभी कंट्रीज़ में डेंस रेलवे रूट देखने को मिलता है और मल्टीपल ट्रैक्स हैं, एक साथ कई सारी ट्रेन्स एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट कर सकती हैं, मल्टीपल ट्रैक्स हैं और डेंस रेलवे नेटवर्क इन रीजन्स में मिलता है। बाकी अगर हम नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर भी जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स हैं, वहाँ पर हमें डेंस रेलवे नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो ये हमारा रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन है। रेलवे में जो एक इम्पॉर्टेंट तरह का
नेटवर्क है वो है इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवेज़। इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवेज का मतलब होता है कि वो रूट्स जो कॉन्टिनेंट के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को कनेक्ट करते हों, यानी वो रेलवे लाइंस जो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट जाती हैं, यानी पूरे कॉन्टिनेंट के आर पार होती हैं, कॉन्टिनेंट के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को कनेक्ट करती हैं, तो उनको हम इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट्स बोलते हैं। इनका डेवलपमेंट जो होता है उसके पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्पस हो सकता है, इकोनॉमिक और मिलिट्री पर्पस उसका हो सकता है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ किसी भी कॉन्टिनेंट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम कुछ इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस को पढ़ेंगे जिनको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन ईस्ट कोस्ट पर यानी पैसिफिक कोस्ट पर व्लादिवोस्टोक और वेस्टर्न कोस्ट पर सेंट पीटर्सबर्ग, इन दो सिटीज़ को कनेक्ट करने का काम करती है। रशिया में ईस्ट कोस्ट पर व्लादिवोस्टोक और वेस्ट कोस्ट पर पश्चिमी किनारे पर सेंट पीटर्सबर्ग जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। इन दो सिटीज़ के बीच में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट सिटी हैं जैसे ओमस्क, पर्न, इरकुत्स्क, तो ये भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक के बीच में आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक रेलवे रूट है जो पूरे रशिया को से होकर गुजरता है और इम्पोर्टेंट रशिया की सिटी इस रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे या इस रेलवे ट्रैक के अलोंग डेवलप्ड हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं मॉस्को, उफा, नोवोसिब्रिस्क, ये सब भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ रशिया की इसी रेलवे ट्रैक के किनारे डेवलप्ड हैं। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जितने भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन है उस सब में सबसे बड़ा है। इसकी लेंथ 9,332 किलोमीटर के लगभग है। कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाइड डबल ट्रैक रेलवे लाइन है। इसकी एक और खासियत, और भी बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स इस इम्पोर्टेंट रेलवे ट्रैक में आके मर्ज होते हैं, चाहे वो कजाकिस्तान को कनेक्ट कर रहे हो इससे, मंगोलिया से कनेक्ट कर रहे हो, या फिर रशिया के नॉर्दर्न पार्ट से आ रहे हो, वो भी आकर इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन में आकर मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़े एरिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा था ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। इसी तरह से हमारा है अगला ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन मीन्स जो पूरे कनाडा को क्रॉस करेगा, कनाडा के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएगा। तो ईस्टर्न कोस्ट पर सेंट हेलीफैक्स यानी जो अटलांटिक कोस्ट है उस पर सेंट हेलीफैक्स, और जो पैसिफिक कोस्ट है वेस्ट में पश्चिम में वो है वैंकूवर। तो हम कह सकते हैं कि ये ईस्टर्न कोस्ट के सेंट हेलीफैक्स से वेस्टर्न कोस्ट पर वैंकूवर को कनेक्ट करता है। इम्पोर्टेंट जो इस रूट पर और सिटी आते हैं वो है मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी, ये इम्पोर्टेंट अदर सिटीज़ हैं। सभी इसमें इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं। विनिपेग वीट मार्केट है दुनिया का सबसे बड़ा, तो ये हम कह सकते हैं कि ये कनाडा और अमेरिका के जो बॉर्डर पर इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनको भी कनेक्ट करता है और उस रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। 1886 में डेवलप हुआ था। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है उनको कनेक्ट करता है। विनिपेग जो वीट मार्केट है उसको दोनों कोस्ट के जो हमारे पोर्ट हैं हेलीफैक्स और वैंकूवर उन दोनों से कनेक्ट करता है। इम्पोर्टेंट जो गुड्स हैं इस रूट पर जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो वीट और मीट हैं। जो हमारा प्रेरीज रीजन है, वीट बेल्ट है,
उस वीट बेल्ट से होकर जाता है और उस प्रोडक्ट को, वीट को, दोनों तरफ के ईस्ट कोस्ट पर और वेस्ट कोस्ट पर जो पोर्ट हैं वहाँ तक पहुँचाने का ये रेलवे लाइन काम करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर, और उस रीजन को इंडस्ट्रियली डेवलप करता है, उस रीजन के प्रोडक्ट्स को पोर्ट पर पहुंचाने के लिए रोल प्ले करता है। इसी तरह से जो अगला ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन है वह है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ईस्ट कोस्ट पर सिडनी और वेस्ट कोस्ट पर पर्थ। तो ईस्ट कोस्ट पर सिडनी से वेस्ट कोस्ट पर पर्थ को कनेक्ट करने का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड है ये, और जो बीच में अदर इम्पोर्टेंट स्टेशन या सिटीज़ हैं वो है कालगुडली, ब्रोकन हिल पार्ट पोर्ट, तो ये इन सबको कनेक्ट करने का काम करता है। इसी रेलवे लाइन से और भी रेलवे लाइंस इसमें आकर मिलती हैं, जैसे एडिलेड से आकर मिलती है, तो ये बाकी रीजन्स को भी डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। नहीं तो पर्थ से सिडनी, ईस्ट कोस्ट पर सिडनी और वेस्ट कोस्ट पर पर्थ, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि मान लीजिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पूछ लेगा कि वेस्ट कोस्ट पर कौन सी सिटी है, या वेस्ट कोस्ट पर ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट कोस्ट पर किससे कनेक्ट कर रहा है, ईस्टर्न साइड पर कौन सा है, वेस्टर्न साइड पर कौन सा है, या तो मैप पर शो करने को आ जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा रेलवे लाइन है वो है ओरिएंटल एक्सप्रेस। ये फ्रांस में पेरिस से टर्की के इस्तांबुल तक है। इसमें बीच में जो और इम्पोर्टेंट सिटीज़ आते हैं म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो पेरिस से इस्तांबुल तक कनेक्ट करने वाले ओरिएंट एक्सप्रेस पर आते हैं। यहाँ पर जो मेन आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं या जो ट्रांसपोर्ट में रहते हैं वह हैं चीज़, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स, मशीनरी, इन सब का इस रेलवे लाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस रेलवे लाइन की वजह से लंदन से इस्तांबुल का जो टाइम है वो 96 आवर रह गया है। पहले इसी को ओशनिक रूट से कवर करने में 10 डेज तक लग जाते थे। तो हम समझ सकते हैं इस रेलवे लाइन की इम्पोर्टेंस। अब जो प्रपोजल है वो इस तरह का है कि इसको इस्तांबुल से बैंकॉक तक कनेक्ट किया जाए, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार होते हुए, लेकिन अभी ये है नहीं, ये प्रपोजल है। तो ओरिएंटल एक्सप्रेस ये कनेक्ट करता है फ्रांस में पेरिस से टर्की के इस्तांबुल तक के लिए। तो ये हमारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस थे।